आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटिंग की, मुसलसल हम कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे फ्रंट फुट के शॉट्स की, और ख़ास तौर पे इसमें हम टेक्निक की बात करेंगे। सो कुछ ड्रिल्स भी इसमें करेंगे। ये वीडियोस आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है कि आप ज़ाहिर है जहाँ पे भी हों आपको ये मैसेज मिले, और अगर आप अकेले हैं तो उसमें तरीका भी बताया गया है कि बैटर को ज़ाहिर है फीडर चाहिए होता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। करीब गिरती है तो वो आगे फुल पिच बॉल होती है, तो फ्रंट फुट पे बॉल जब गिरती है तो डेफिनेटली उसकी टेक्निक बेसिक ये है कि जो भी आपका स्टांस है वो बैलेंस होना चाहिए, हेड स्टेडी होना चाहिए। जब आप फ्रंट फुट पे जाते हैं, जहाँ बॉल पिच होती है बॉल की पिच पर आप अपना पैर लेके जाते हैं, फ्रंट लेग लेके जाते हैं एंड फॉलो करते हैं हेड एंड शोल्डर के साथ, और आर्म एक्सटेंशन होती है इधर। तो ये बेस्ट तरीका है फ्रंट फुट शॉट का। मैं आपको साइड से भी बता, आपका स्टांस है बैलेंस होना चाहिए, आई लेवल होनी चाहिए, बॉल जो पिच होती है वहाँ पर आपका पाउंड जाता है, और हेड एंड शोल्डर ओवर द बॉल, हेड जो है ओवर द बॉल होगा और यहाँ पे सिंपल आर्म एक्सटेंशन होगी। तो ये आपका नॉर्मल फ्रंट फुट शॉट है, ये उसकी टेक्निक है। हेड शोल्डर एक साथ जाएंगे, फीट प्लांट पहले हो चुका होता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपके फ्रंट फुट पे बॉल है। सो यू गो एंड एक्सटेंड योर आर्म गो देयर, कंट्रोल बढ़ता है और आउटकम बेहतर तरीके से आती है, कंट्रोल आउटकम आता है। सो टेक्निक को भी इम्प्रूव करना है हमने, और जो भी काम करें वो एक सीक्वेंस में और एक समझ में आना चाहिए। हम ड्रॉप बॉल के बाद स्टेशनरी बॉल, ड्रॉप बॉल और मूविंग बॉल के साथ हम करते हैं, तो सारा हेल्पिंग हैंड रहेगा। कोशिश करें, मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।